कैसे प्राप्त करोगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला नंबर है, अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे हम प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण हमें देना है। इसका उत्तर क्या होगा या कैसे रिएक्शन होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। इसका आंसर भी साथ में देने वाले हैं। फास्फोरस से ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल कैसे बनेंगे या फास्फोरस से फास्फीन गैस कैसे बनेंगे? फोर्थ नंबर, अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे चार क्वेश्चन ये मौजूद है। साथ में पांचवा क्वेश्चन, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल से मेटाफास्फोरिक अम्ल क्या है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे, या ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन सभी का आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ उत्तर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था अमोनिया से नाइट्रोजन। तो अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, उत्तर नंबर एक देख सकते हैं। तो इस सात प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसे, साथ में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये सात महत्वपूर्ण आपको दिख रहे हैं कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए के लिए। चलिए अब प्रारंभ करते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने देने वाले हैं, जो 18 प्रश्न आपके सामने हम देने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आप अगर एक बार तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कोई भी प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 18 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने वाला हूँ। तो 18 प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इस 18 प्रश्नों का आंसर चलिए हम आपको बता देते हैं। इसका उत्तर आपको यहाँ से देखिए मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए सभी का आंसर मैं यहाँ पर पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं। जो 18 के 18 महत्वपूर्ण है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, रिएक्शन कैसे करते हैं उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रिएक्शन करना प्रारंभ कर लीजिए, सीख लीजिए कि कैसे रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे 18 प्रश्न का उत्तर मैंने दे रखा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए क्या होता है जब के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, लाइक करने के बाद चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।